हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का नए ब्लॉग में। तो मम्मी पापा आ गए हैं घूमकर और हम लोग सोच रहे हैं वाटर पार्क जाने का। तो देखते हैं मम्मी पापा मानते हैं या नहीं। तो कल जाएंगे हम लोग वाटर पार्क। हमको तो बहुत मज़ा आ रहा है सुनकर, क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं। तो शायद अगर मम्मी पापा मान जाते हैं तो कल निकलते हैं हम लोग। तब तक के लिए देखिए आज क्या क्या करते हैं। तो गाइज, ये बोल कर कि हम लोग जाएंगे वाटर पार्क, मम्मी को मनाते हैं और खुद जा रहे हैं। ये नहीं कि मम्मी को मनाएं और पापा को, खुद चल दिए हैं अपने घूमने हमको छोड़कर। क्यों किए ऐसा? अब बोले थे ना मम्मी को मनाएंगे। जब तुम मनाओ ना, तुम मना नहीं सकती। ऐसा नहीं, हम मना सकते हैं। फिर मना लो, फिर चलते हैं, फिर एंजॉय करेंगे। हाँ तो मना लेंगे, देखना आते आते तक। कल का आज आना है ना शाम में, आज शाम तक मना लेंगे मम्मी को, खुद ही मना लेंगे, जरूरी नहीं पड़ेगा। तो भाई देखते हैं मम्मी को कैसे मनाते हैं कल जाने के लिए वाटर पार्क। ओ कहाँ जा रहे हैं? जीतू भैया के यहाँ, मतलब फुआ जी के घर। शाम में आ जाना है, कोशिश करेंगे। कल घूमने भी जाना है जरूर। ठीक है, बाय बाय। कुछ लेकर आइएगा मेरे लिए। क्या लेके आना है? कुछ भी, जैसे कुछ भी, हमको उतना पता नहीं है, अपने से लेज ले आएंगे। नहीं 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 नहीं। ओके बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। तो गाइस ये चलती है, देखते हैं मम्मी को हम कैसे मनाते हैं वाटर पार्क जाने के लिए, और मम्मी मनाएंगी पापा जी को। तो मम्मी को वाटर पार्क जाने के लिए जो मेरा मना लिया मोनू, जो मेरा काम था वो मोनू कर दिए हैं, क्योंकि सबसे पहले प्लान भी मोनू ही किए थे, और मतलब जाते जाते मम्मी को मना भी लिए। तो हमको तो कुछ नहीं करना पड़ा, ये बोले हुए थे कि तुम मनाओ, हम बोले थे मना कर दिखा देंगे, तो हमको मेहनत ही नहीं करना पड़ा, मेरा काम तो मोनू ही कर दिए। तो चलो मम्मी से जानते हैं कि मम्मी को कैसा लग रहा है, क्या बोलती हैं मम्मी। मम्मी तो वैसे ही पहले घूम चुकी हैं, यहाँ पे सब लोग गए, सिर्फ हम ही नहीं गए कभी, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो मुझको ज़्यादा ही खुशी हो रहा है जब से सुने कि मम्मी हाँ कर दें, तब से तो ज़्यादा खुशी। लेकिन फिर भी चलो मम्मी से बात करते हैं, मम्मी को देखते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन है। और अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो अभी हम खाना बना रहे हैं। तो चलो हम जब तक खाना बनाते हैं, फिर सबको खिलाते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि मम्मी को मतलब कैसा लग रहा है। मतलब सब लोग जाएगा, एक नानी है, शायद नानी नहीं जा पाएंगी क्योंकि नानी की गार्डन उल्टी हो गई है, लोग खाना बना रहे हैं। नानी का वाटर पार्क में क्या काम, देखते हैं मम्मी क्या बोलती हैं। और फिर भाभी भी, और हम मम्मी को पता ही नहीं कि हम ब्लॉग डालते हैं, तो हम चुप चुप के कैमरा करेंगे, इसलिए हम उस टाइम पे कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो चलो देखते हैं मम्मी का क्या जवाब है खाना खिलाने के बाद। हे गाइस, पिज्जा पार्टी प्रियांशु की तरफ से, राखी मैडम, राखी आ जाइए। इतना क्यों शर्मा रही है, निकल जाओ, खाना है कि नहीं? आइए। चलो हो गया ओवररेटिंग, आइए ना राखी दीदी, ओवररेटिंग हो गया। अरे उन लोग वहां पे एंजॉय कर रहे हैं भैया लोग, यहाँ इनका हो गया, हम लोग का मतलब सबका। कहीं जाने के लिए बोले आपको? हाँ, तब जाना है, बहुत मजा आएगा ना, से भी मिलना है। आप तो पहले भी जा चुके हैं वाटर पार्क? हाँ। मेरा तो पहला बार है, बहुत खुशी हो रहा है हमको। वाटर पार्क में नहाए नहीं है, देखे। अच्छा नहाए नहीं थे, देखे थे। हाँ, पहली बार जा रहे हैं नहाने। हम तो नहाए भी नहीं है, देखे भी नहीं है। और देखते हैं प्रियांशु जी का रिएक्शन, तो कैसा, एक्साइटेड है पूरा? हाँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, वाटर पार्क कभी गए नहीं है, तो एक्साइटमेंट तो है।
कल सुबह सुबह निकलना है। हाँ, कल 5 बजे निकलने का प्रोग्राम है, सुबह सुबह ही निकलना है और दिन भर में घूम के आ जाना है। और मम्मी पापा जी को मनाएं? मना लीजिए, मेरा तबीयत खराब। हाँ, पता नहीं क्या होगा, आराम से जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन एक अफसोस है कि नानी को छोड़कर जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत है। कोई बात नहीं नानी, आ जाएंगे, जल्दी ही आ जाएंगे, ठीक है। फिर चलिए, बाय बोलिए, बाय, जरा से मिलने। बहुत खुशी है बेटा से मिलने का। तो बताइए, आप बताइए कहाँ है सेरा? थोड़ा कुछ सेरा अभी एक स्कूल है, उसका नाम है गुरुकुल पब्लिक स्कूल, शायद नाम है स्कूल का। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि डे नाइट स्कूलिंग होता है और वहीं पे बच्चे रहते हैं, हॉस्टल है वहीं पे प्रोवाइडेड। कितना साल हो रहा है सेरा का? सेरा का भी 12 साल हो रहा है और उसको नवोदय और ये नेत्रहाट जैसा कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन के लिए भेजा गया। अभी ऐसे भाभी अलग कर दिए 12 साल से, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हाँ चलिए, मम्मी से बात कर ली और प्रियांशु जी से भी, मतलब भाभी से भी, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए। और हाँ, ये बताना भूल गए थे कि सेरा का उधर एडमिशन हुआ है, यानी भाभी का बेटा का, तो रास्ते में उनसे मिलना भी हो जाएगा और उनको ले भी लेंगे, वो भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, तो अच्छा रहेगा, सब लोग मिलकर जाएंगे तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा। और हाँ, ये चीज़ कि हम बोले थे कि छुप छुप के कैमरा करेंगे, तो छुप कर ही कर रहे थे, तो मम्मी बार बार गुस्सा रही थी कि क्या कर रही है फ़ोन में, क्या कर रही है, कुछ भी पूछ रहे थे तो बोल ही नहीं रही थी। तो लास्ट में हम मम्मी को बोले कि बस ऐसे ही एक वीडियो कर रहे हैं कि आप वीडियो में बोलते हुए कैसे लगते हैं, तो बस ऐसे करके बना ली, मतलब मम्मी को पता नहीं चला। और इनको आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, 11:30 बज जाएगा या 12, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वाटर पार्क में। तो बने रहिए ब्लॉग में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चिंकी रॉय ब्लॉग। थैंक यू।